हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आर ओ ए आर ओ के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। इस सेट में कुल 19 क्वेश्चन है ना। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट करना है कि 19 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही बने। आपको करना क्या है, वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेट बड़ी मेहनत से आपके सामने लाया गया है, तो इसके लिए एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब जल्दी से लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित है जैसे प्रश्न में दिए गए सेट में नंबर एक दूसरे से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सेट में जो नंबर दिया गया इसमें जो संबंध है ये आपको ढूंढना है और आपको बताना है कि विकल्प में किस संख्या में ये संबंध मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 269, 278, तो इसमें डिफरेंस है 9 का, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंस है 18 का। तो आपको ये पता चला कि इसमें डिफरेंस का पैटर्न चल रहा है। एक बार डिफरेंस 9 का है, मतलब एक बार अंतर 9 का है, और दोबारा जो अंतर है ये 18 का है। तो ऐसा अंतर कहाँ पर है देख लेते। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले में यहाँ पर 9 का अंतर दिख रहा है और यहाँ पर 18 का अंतर दिख रहा है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन सभी विकल्पों में क्या त्रुटि थी जिसकी वजह से ये गलत हुआ है। देखिए यहाँ पर 9 का अंतर तो है लेकिन इसमें 18 का अंतर नहीं है, तो ये विकल्प यहाँ पर गलत हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 11 का अंतर है तो पहले ही गलत हो गया, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 9 का अंतर है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 का अंतर आपको दिखता हुआ नहीं दिखेगा, तो ये भी विकल्प आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका पहला विकल्प इसमें पहले प्रश्न में विकल्प ए सही बनेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ पर चिकित्सा, अच्छा यहाँ इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, ये देखिए दवा लिखना चाहिए था, यहाँ पर सही दिया है मेडिसिन। देखिए मेडिसिन डिजीज मतलब दवा लेने से जिस प्रकार से रोग का उपचार हो जाता है, मतलब रोग दूर हो जाता है, उसी तरीके से अगर आप फूड मतलब खाना लेंगे, भोजन लेंगे, तो आपकी भूख दूर हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगर, विकल्प ए। देखिए यहाँ पर दवा लिखना चाहिए था, है ना, दवा, ये चिकित्सा टाइपिंग की त्रुटि है, यहाँ पर दवा आएगा, है ना। दवा से जिस प्रकार रोग दूर हो जाता है उसी प्रकार भोजन से भूख दूर हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या दिया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो नंबरों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। आपको बताना है कि इसमें से किन दो नंबरों को अगर आपस में हम बदल देंगे, किन दो संख्याओं का परिवर्तन कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल बेसिस पर होते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब आपको विकल्प को उठाना है और उसमें चेक करना है। देखिए अगर हम विकल्प ए के साथ जाएंगे तो इसमें 7 और 4 इसको आपको चेंज करना है, तो 7 और 4 को चेंज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर 7 और 4 को चेंज कर दिया जाएगा तो आपके समीकरण में यहाँ पर 4 दिखेगा, है ना, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 7 दिखेगा। अब आपको अपना इक्वेशन हल कर लेना। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5 चौका 20, देखिए यहाँ पर ये 20 हो जाएगा और 9 20 9 29, और माइनस में यहाँ पर भाग हो जाएगा तो ये मिलेगा 9, है ना, और बराबर का साइन यहाँ पर लगेगा। देखिए 3 और यहाँ पर पहले गुणा करेंगे तो 3 7 21, 21 में से 10 जाएगा तो 11 मिलेगा, और प्लस में 9 करेंगे, 11 9 20, है ना। देखिए यहाँ पर भी 20 मिल रहा है और यहाँ पर भी 20 मिलेगा, तो 7 और 4 को अगर रिप्लेस करेंगे तो सही हो जाएगा। ये संयोग था कि पहला विकल्प यहाँ पर सही, अन्यथा अगर पहला विकल्प नहीं सही होता तो हम लोग क्या करते, आगे और भी चेक करते। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है अमित सोनिया का भाई है, जो अमित है ये सोनिया का भाई है, तो हम लोग फैमिली ट्री बनाते हुए चलते हैं। अमित क्या है, अमित जो है ये भाई है, किसका भाई है, सोनिया का भाई है, तो यहाँ पर इतना हमें इन्फॉर्मेशन मिला, है ना। सोनिया के लिए एस ओ लिख लेते हैं, अमित सोनिया का भाई है। ज्योति निकिता की बहन है, अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पर ज्योति जो है बहन है, किसकी बहन है, निकिता की बहन है, यहाँ साइड में बना लेते हैं। सोनिया सतीश के पिता की बेटी, अब समझिएगा जो सोनिया है ना ये सतीश के पिता की बेटी है, मतलब सतीश यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतीश जैसे ये इसका भाई हो जाएगा, भाई या बहन अभी नाम से जेंडर नहीं क्लियर होता है, ये बहन है, यहाँ पर इतनी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। निकिता कविंदर की बेटी, जो निकिता है निकिता बेटी है, निकिता किसकी बेटी है, कविंदर की बेटी है, तो यहाँ पर कविंदर आ गया। आगे है ज्योति अमित की माँ, जो ज्योति है ज्योति अमित की माँ, देखिए ये अमित है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए अमित की माँ कौन है, ज्योति, ज्योति यहाँ पर आ गई तो ज्योति सेट हो गई, तो निकिता भी यहाँ पर हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर कविंदर भी आ जाएगा, ठीक। आगे क्या दिया है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति, देखिए निकिता ये है निकिता की बहन है, इसका पति कौन हो जाएगा, मुकेश हो जाएगा, मुकेश मेल हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सतीश कविंदर से कैसे संबंधित, देखिए सतीश ये है कविंदर ये है,
अगर हम सही हिसाब से देखें तो यहाँ पे सतीश का जेंडर नहीं पता है, इसका मतलब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर कहीं पर दिया था क्या कि इसकी इकलौती बेटी है, इकलौती निकिता कविंदर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जेंडर तो नहीं दिया। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। कविंदर के साथ इसका रिलेशन ग्रैंड का होगा, मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड सन दिया तो यही सही हो जाएगा, पोता है ना। जब कभी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न होते हैं तो उसमें जब तक जेंडर नहीं डिफाइन होता है तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते कि उत्तर क्या बनेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले से संबंधित है और छठा नंबर पांचवें से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं। देखिए क्या संख्या, 12 का संबंध 72 से है ना, 18 का संबंध किससे होगा नहीं पता है, 22 का संबंध 242 से। अब देखिए 12 का संबंध 72 से कैसे, यहाँ पे 12 में अगर हम 6 का गुणा कराएंगे, गुणा 6 कराया गया तो 72 आ गया, ठीक। यहां पर आप 22 में अगर 11 का गुणा कराएंगे तो 242 मिलेगा। अब इसमें किससे गुणा कराया जाए, देखिए 12 था, 12 का आधा 6 इसका मल्टीप्लाई कराया गया, 22 का आधा 11 इसका गुणा कराया गया, तो आपको पैटर्न दिख गया कि 18 है तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, 18 का आधा 9, 18 में 9 का गुणा कराएंगे तो 18 का टेबल सबको पता होगा, 18 9 या 162। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या दिए, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश जो होता है ये अल्फाबेट के अनुसार चलता है, अल्फाबेट का मतलब जिसका पोजीशन पहले होगा वो पहले आएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आर आई जी तीनों में है ना, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखिए देखिए इसमें आर आई जी तीनों में दिया, तो आर आई जी का कोई रोल नहीं है, है ना, क्योंकि ये तीनों में है, तो यहाँ पे इससे आर आई जी को हम लोग हटा लेते हैं ना। अब आर आई जी के बाद अगर देखेंगे, देखिए इसमें एच से शुरुआत है, फिर आई है, फिर एच है, फिर ओ है, फिर एच है। अब इसका मतलब देखिए एच एच एच, पहले इन तीन को सेट करेंगे उसके बाद देखेंगे कौन पहले आएगा। देखिए यहाँ पर एच है, टी है, एच है, टी है, एच है, टी है, तो एच टी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक, एच टी का कोई रोल नहीं। अब इसमें देखिए असली खेल में कौन आएगा, ई, तो सबसे पहले ई आएगा, मतलब जो तीसरा है इसकी शुरुआत पहले से होगी, तो यहाँ पर पहले तीसरे को लिखेंगे, है ना, ये सेट हो गया है ना, ये तीसरा वाला लिख दिया गया। अब तीसरे के बाद देखिए इन दोनों में एल और एस में कौन पहले आएगा, एल पहले आएगा, तो तीन के बाद एक लिखेंगे और एक के बाद पांच लिखेंगे, तो तीन एक पांच। देखिए तीन एक पांच आपको पता चला तो विकल्प सी और विकल्प डी, ये दो विकल्प इलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे ये तीन सेट हो चुका है, अब आपको देखना है कि आई पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो आई पहले आएगा, मतलब इसके बाद दो को लिखेंगे और दो के बाद एक बचा है चार को लिखेंगे, तीन एक पांच दो चार इसका सही पैटर्न होगा, तीन एक पांच दो चार विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, 7 में क्या दिए कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दयुग में ठीक वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्दयुग में है। देखिए घड़ी, घड़ी क्या करता है, समय बताने का काम करता है ना, तो जो एमीटर होता है ना, यहाँ पे एमीटर जो होता है वो करंट बताता है, वैद्युत धारा, तो इसका सही रिलेशन हो जाएगा ए, घड़ी से जिस प्रकार समय की जानकारी मिलती है वैसी एमीटर से करंट की जानकारी मिलती है, करंट को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, अब प्रश्न संख्या 8, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे, है ना, ये लीजिए। देखिए 8 में क्या दे रखा है, प्रश्न में दिए गए तालिका में का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है, इसमें रिलेशन क्या चल रहा है, 8 और 6, मतलब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया 48 बन गया, 48 में से 8 को घटाने पर 40 मिला, ठीक। देखिए 21 और 25 का आपस में गुणा कराएंगे तो 525 मिलेगा, 525 में से 25 घटाएगा तो 500 मिले, पैटर्न पता चल गया। देखिए पहले और तीसरे का गुणा कराया जा रहा है, पहले तीसरे का मतलब इसको हम पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा, इनका गुणा करा करके फिर इसमें से तीसरे को माइनस किया जा रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 14 और 7 का गुणा कराएंगे और इसमें से 7 माइनस करेंगे, 14 सते 98, 98 में से 7 घटाएंगे तो 91 मिलेगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 6। देखिए आशा और लता दो लोग हैं, इनके आयु का अनुपात 5 और 6, मतलब आशा 5 वर्ष की है तो लता 6 वर्ष की, इसमें इनका मल्टीप्लायर लगा होगा। यदि उनके आयु का अंतर 6, देखिए 1 है, अब यहाँ पे अंतर 1 दिख रहा है, 1 का मान दे रखा है 6, 1 बराबर 6 दे रखा है, तो 5 बराबर 30 हो जाएगा और 6 बराबर 36 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लता की आयु 5 वर्ष के बाद कितनी होगी, लता अभी 36 साल के, तो 5 वर्ष बाद 41 वर्ष की हो जाएगी, विकल्प सी।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दे रखा है कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, है ना। ये रहा दिए गए प्रश्न में एक पासे की दो भिन्न स्थान दिखाए गए, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। देखिए ये ऊपर 6 लिखा गया है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा है स्पष्ट तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लिखा गया और यहाँ पर ये 3 लिखा गया है। यहाँ पर है आपका, अगर देखेंगे इसमें, रुकेगा एक मिनट, ये 3 है या यहाँ पर 5 है, माफ कीजिएगा, ये 5 लिखा गया है ना। इसके बाद ये 1 है, ये 5 है और यहाँ पर ये 3 है, है ना। अब ये आपको डाइस में चीजें दे रखी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत कौन आएगा। देखिए आपको ये बताना है कि 6 के विपरीत कौन आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 फेस कॉमन है, देखिए 2 फेस कॉमन है, यहाँ पर 1 5 ये कॉमन है, इसके बाद इसमें भी 1, ये 2 फेस कॉमन है, अब बचा 3 और 6। जब 3 और 6 है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 3 और 6 है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद 1 और 5 के बारे में नहीं पता है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे तो 11 में क्या दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड रोप को इस प्रकार से कोडित किया गया। यहाँ पर तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में एक्यूरेट की कोडिंग कैसे होगी। देखिए वर्ड रोप की अगर बात करेंगे तो जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हल करना है तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अल्फाबेट या फिर जो भी इसमें लेटर्स दिए गए इनके प्लेस वैल्यू को रखिए। अगर वर्ड रोप की बात करेंगे तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, ए की प्लेस वैल्यू है 1, आर के लिए 18 होता है, डी की प्लेस वैल्यू है 4, ओ का, अच्छा फिर से आर है तो 18, ओ के लिए 15, बी के लिए 2 और ई के लिए 5, ये प्लेस वैल्यू है, है ना। इसके बाद देखिए इसमें जो कोड दिया है कोड की प्लेस वैल्यू कैसे, वाई की अगर कोड प्लेस वैल्यू देखेंगे 25, एक्स की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 24, इसके बाद वी की प्लेस वैल्यू है 22, है ना। वाई की प्लेस वैल्यू है कितनी, 25, एक्स की प्लेस वैल्यू है 24, H की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 8 हो जाएगा, J की प्लेस वैल्यू 10 है और V की प्लेस वैल्यू 22 है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पर प्लस 2 है, ठीक, यहाँ पर माइनस 3 है, ठीक, यहाँ पर प्लस 4 है और यहाँ माइनस 5, प्लस 6 माइनस 7, प्लस 8 माइनस 9। तो देखिए ये पैटर्न चल रहा है, देखिए पहले प्लस से शुरू है, प्लस 2 माइनस 3, प्लस 4 माइनस 5, ये पैटर्न चल रहा है। तो इसी पैटर्न में अगर हम एक्यूरेट की बात करेंगे, देखिए एक्यूरेट ए डबल सी यू आर ए टी ई एक्यूरेट, है ना। अगर ए में प्लस 2 करेंगे तो प्लस 2 आप जैसे करेंगे तो आपको सी मिलेगा, है ना। सी में माइनस 3 करेंगे तो आपको जेड मिलेगा, है ना, सी जेड। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये दो विकल्प एलिमिनेट हो चुके हैं, या तो उत्तर ये बनेगा या तो उत्तर ये बनेगा। अब देखिए यहां पे सी है, अब देखिए सी में आप प्लस 4 करेंगे, सी की प्लेस वैल्यू है 3, प्लस 4 करेंगे 7, मतलब जी मिलेगा, तो सी जेड जी, सी जेड जी विकल्प तीसरे में, देखिए यहां पे देखिएगा तीसरे में, तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दर्पण को दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर होने पर विकल्पों में से कौन सी आकृति सही होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है आर एस, अब देखिए जब कभी भी हम मिरर को यहाँ पर राइट साइड में रखेंगे, देखिए मिरर इमेज में एक चीज याद रखना है, जो मिरर के पास रहता है वो चीज हमेशा मिरर के पास रहेगी। देखिए यहाँ पे एक्स मिरर के पास है तो यहाँ पे एक्स ऐसे रहेगा, ओ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, एल को इस प्रकार लिखेंगे। देखिए पहला विकल्प एलिमिनेट हो गया और अंतिम एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स से शुरुआत ही नहीं है। देखिए एक्स ओ एल अभी तक की चीज ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 6, ठीक है ये सही है, ये सही है। देखिए इसमें आप देखेंगे के को सीधा लिखा गया, जबकि मिरर इमेज में के उल्टा हो जाता है, तो ये विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया, सिलॉक्स के प्रश्न को इंग्लिश से बनाएंगे तो वेन डायग्राम बनाना ज्यादा आसान होगा। सम एनिमल्स आर एलिफेंट, एलिफेंट्स, देखिए सम एनिमल्स जो है वो क्या है, वो एलिफेंट्स है, तो यहाँ पे ये इसका वेन डायग्राम रहा। आगे क्या दिया, सम एलिफेंट्स आर टाइगर, सम एलिफेंट्स क्या है, टाइगर है, तो ये इसका वेन डायग्राम रहा, वेन डायग्राम पूरा बन गया। कंक्लूजन क्या दिया, सम एनिमल्स आर टाइगर, देखिए एनिमल और टाइगर में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। नो टाइगर इज एन एनिमल, कोई भी टाइगर एनिमल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये कोई भी टाइगर ऐसा नहीं जो एनिमल है ना, ये भी गलत हो गया। अब देखिए जब कभी भी सम और नो का रिलेशन बनता है ना, यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो एक कंप्लीमेंट्री पेयर है, कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये पहले बोल रहा है कि ऐसी चीजें हैं फिर बोल रहा है नहीं है, तो जब भी कंप्लीमेंट्री पेयर मिलता है तो उसका उत्तर आइदर और होता है, तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, आइदर और। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14।
14 में क्या दिया है कि आपको एक पैटर्न दिया, इस पैटर्न के हिसाब से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही बनेगा। देखिए यहाँ पे पैटर्न में क्या चीज़ें चल रही, कैसे इसका उत्तर सही बनेगा। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया गया, 150 और 100 का, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए यहाँ पे 150 और 100 इसका अंतर लिया गया तो 50 मिला है ना, 50 का आधा यहाँ पर रखा गया। ठीक, इसी तरीके से देखिए 132 और 88 इसका डिफरेंस है 44, 44 का आधा रखेंगे तो आपको 22 मिलेगा। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर आपको लेना, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 54, 54 का अगर आधा कर देंगे तो 27 मिल जाएगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। 15 में आपको क्या बताना है, आपको उस विकल्प का चयन करना है, जैसे संबंध यहां पर है ऐसे विकल्प में भी संबंध होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है, यहां पर पैटर्न ये चल रहा है कि 11, 55, 257 ठीक है, 15, 75 नहीं है, 15 नहीं है, 18, 95 नहीं है, है ना। तो 11, 6 का देख लेते, देखिए 11, 6 का 66 है, देखिए गुणा 6 का कराया गया है ना, गुणे 6 है ना, अब -9 ये पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 15, 96, -9 ये अभी चल रहे है ना, 15, 96 ये इलिमिनेट हो गया, 18, 106 ये भी हट गया है ना, 12, 76 ये भी हट गया। देखिए तीन विकल्प पहले से इलिमिनेट हो गए, तो अब आपको पैटर्न पता चल चुका है, पहले गुड़े 6 माइनस 9 कराया गया, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा गया, गुड़े 6 माइनस 9 फिर सॉरी 3 घटाया गया, तो यहाँ पर भी 3 घटा देंगे, ये इसका उत्तर सही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16। इस आकृति में कितने त्रिकोण है, कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। देखिए जब कभी भी एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज को 4 भागों में विभाजित करते हैं उसके विकर्णों से, तो कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 8। यहाँ पर अगर आप इस ऊपर वाली आकृति को देखेंगे, ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, इसको इसी प्रकार से 4 भागों में विभाजित किया गया, तो ऊपर आपको मिलेंगे 8 त्रिभुज है ना, इस तरीके से नीचे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 8 त्रिभुज, 8 और 8, 16 मिल जाएगा। अब इन दोनों आकृतियों को मिक्स करने पर कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, विकल्प ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या दे रखा है कि स्टॉप को HGLK लिखा गया, तो लैम्ब को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। प्लेस वैल्यू लिखिए तुरंत, एस की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 19, टी की 20, ओ का 15 और पी का 16। अब इसके कोड की बात करेंगे, एच का 8, जी का प्लेस वैल्यू 7, एल का 12 और के का 11। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दोनों का सम 27 हो रहा है ना, इन दोनों का सम 27 हो रहा है, तो आपको कोड मिल चुका है। अब यहाँ पे लैम्ब की बात करेंगे, एल की प्लेस वैल्यू 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13 और बी की प्लेस वैल्यू 2। देखिए एल में क्या जोड़े कि 27 मिल जाए, 15, ए में क्या जोड़े 26, 13 में क्या जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे मैं ए और एल बोल गया, इसका जो नंबर है 13 में 14 जोड़ना पड़ेगा और इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। अब ये प्लेस वैल्यू किसकी है, ओ जेड, ओ जेड आपने लिखा, यहाँ से क्लियर हो गया, बाकी एन वाई भी आप आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18। 18 में क्या दिया कि सिरिंज का संबंध पिस्टन से है, मतलब देखिए सिरिंज के अंदर पिस्टन होता है, इसी प्रकार टायर के अंदर ट्यूब होता है और दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 19। 19 में क्या लिखा है, 19 में ये लिखा गया कि अगर हिमांचल है ना, हिमांचल को इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक का कोड क्या होगा। देखिए आप ध्यान से देखो, इसमें हिमांचल को ना जस्ट ऐसे रिवर्स लिख दिया गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक को रिवर्स लिख देंगे, CITEN है ना, CITEN। देखिए यहाँ पे ये इलिमिनेट हो गया, CI ये भी हो गया, ये भी हो गया, विकल्प ए सही बन जाएगा। तो ये आज के 19 क्वेश्चंस रहे जो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट में डन किया। फ्रेंड्स आरओ एआरओ में 12 से 13 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलेंगे है ना, उसको सही से अगर आपको टैकल करना है तो आप इस टेस्ट सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिएगा, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया गया, यहाँ पे जो नंबर दिए गए आप इन नंबर्स पे कॉल करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।